नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वॉक विद मी में। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के टॉपिक्स है भूगोल का अर्थ एवं उस विषय क्षेत्र और सौर मंडल से रिलेटेड क्वेश्चन अपन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आंसर होगा हेकेटियस को। तो भूगोल से रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि भूगोल का जनक हेकेटियस को कहा जाता है, वैसे ही वर्तमान भूगोल का जनक एलेक्जेंडर वॉल हम्बोल्ट को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक एरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ज्योग्राफी का शब्द एरेटोस्थनीज ने दिया था। और भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियस को कहा जाता है। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ शावर को कहा जाता है। गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स व एनेक्सीमेंडर को माना जाता है। तो ये तो थे ज्योग्राफी से संबंधित कुछ फैक्ट्स। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है? तो आंसर होगा हेकेटियस। भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आंसर है इरेटोस्थनीज। ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। आंसर होगा इसमें ए। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? राइट आंसर इसमें वारेनियस ने। भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? कांट ने। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? आंसर है ग्रिफिथ टेलर। वर्तमान भूत की कुंजी है, कथन किस विद्वान का है? जेम्स हट्टन। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है? W.M. डेविस। यदि पृथ्वी कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? आंसर है कार्ल शावर का। भूआकृति विज्ञान के जन्मदाता किसे माना जाता है? पेसेल को। रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा का प्रतिपादक कौन है? आंसर है इसमें ग्रिफिथ टेलर। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? आंसर है H.H. बेरोज। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? थेल्स। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है, अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है? जीन ब्रूंस। क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? कार्ल रीटर को। मानव भूगोल का पिता निम्न में से किसको कहा जाता है? विडाल डी ला ब्लास। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, कथन किसका है? कुमारी शेमपुल। प्रथमतः सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? कोपरनिक्स। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। उपग्रहों की संख्या के आधार पर सौरमंडल के ग्रहों का सही अवरोही क्रम है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति के 63 उपग्रह हैं, शनि के 60 उपग्रह हैं, और अरुण के 27 उपग्रह हैं, और वरुण के 13 उपग्रह हैं।
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? 89 तारामंडल है। निक्स ओलंपिया कोलम्बस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? शनि। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है मंगल। निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? अभिनव तारा। सौरमंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस ने। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? सूर्य। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को कहा जाता है प्रकाश मंडल। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपशोर। एक ग्रह के अपने अक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपशोर। प्राचीन भारतीय ज्योतिष शास्त्र में किसे एक ग्रह के रूप में मान्यता प्राप्त थी? सूर्य को। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य में काला धब्बा क्या है? धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं, ब्लैक धब्बे कहलाते हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 71%। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? सूर्य एक तारा है, बाकी सभी ग्रह हैं। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह। और सबसे नज़दीक बुध ग्रह है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? 8 मिनट 3 सेकंड सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में लगता है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? बुध ग्रह। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 88 दिन। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? बुध ग्रह में। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध ग्रह। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है बुध ग्रह। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? बुध ग्रह की। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? बुध ग्रह का। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है बुध ग्रह। सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, या जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है इसको। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है? वीनस। शुक्र ग्रह को ही वीनस कहा जाता है। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है और शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? शुक्र ग्रह की पूजा एक देवी के रूप में की जाती है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह। सबसे गर्म ग्रह बुध ग्रह होना चाहिए जो कि सबसे नज़दीक है, लेकिन सबसे नज़दीक होने के कारण यहाँ का वायुमंडल नष्ट हो जाता है। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है शुक्र ग्रह।
निम्नलिखित में से किस ग्रह की सुबह का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं बुध और शुक्र ग्रह। निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा पृथ्वी के सबसे नजदीक है? शुक्र ग्रह की। वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं? बुध और शुक्र। सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है शुक्र ग्रह। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? लद्वक्ष गुलाब से। पृथ्वी संपूर्ण गोलाकार लिए हुए नहीं है, अंडे के भांति गुलाब लिए हुए। पृथ्वी सूर्य के परिध अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्र लगाती है? 1 डिग्री प्रतिदिन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल है, अधिकतम होती है जब सूर्य के निकटतम होती है। पृथ्वी के परिभ्रमण की गति है 28 किलोमीटर प्रति मिनट। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग है 12,800 किलोमीटर। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? जुलाई महीने में। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जनवरी महीने में। पृथ्वी को अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन या परिभ्रमण। घूर्णन कहा जाता है। वैसे परिक्रमण गति पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर लगाने वाली गति को कहते हैं। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किस दौरान होती है? अपसौर के दौरान। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। इस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुओं का बनना होता है। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं शुक्र और मंगल ग्रह। पृथ्वी से आकार में छोटे हैं। निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? अरिस्टोटल। पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? मंगल ग्रह पर। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है मंगल ग्रह। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? मंगल ग्रह पर, क्योंकि वायुमंडल विद्यमान है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? मंगल ग्रह पर। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान पाथफाइंडर किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहां पर पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? मंगल ग्रह पर। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है मंगल के विषय में। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस, जो कि मंगल का उपग्रह है। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? मंगल ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। तो ये दोस्तों कुछ थे ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे भी मैं कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा ज्योग्राफी से रिलेटेड। धन्यवाद दोस्तों।